नमस्ते दोस्तों, हम बात कर रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम में आए हुए ऑर्गन्स के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर 6 होलो ऑर्गन्स और 3 सॉलिड ऑर्गन्स आए हुए हैं। होलो ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, जिसे GI ट्रैक भी कहा जाता है। और आज हम बात करेंगे 4th होलो ऑर्गन्स स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। हम जो कुछ भी खाना खाते हैं उसका डाइजेशन 2 टाइप से होता है। एक होता है मैकेनिकल डाइजेशन और दूसरा होता है केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन मींस कटिंग, चूइंग, चर्निंग, मिक्सिंग, ये सारी प्रोसेस को मैकेनिकल डाइजेशन कहा जाता है। और ये सारी प्रोसेस माउथ और स्टमक में होती है। अब इसके बाद इस फूड में से न्यूट्रिएंट्स को अलग करने के लिए बाइल, एसिड, एंजाइम्स जैसे केमिकल यूज होते हैं, जिसे केमिकल डाइजेशन कहा जाता है। एंड मोस्ट ऑफ द केमिकल डाइजेशन अकर्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ अवर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड इट एक्सटेंड फ्रॉम स्टमक टू द लार्ज इंटेस्टाइन। तो सवाल ये उठता है कि इस इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहा जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ लार्ज इंटेस्टाइन से लगभग 5 गुना ज्यादा होती है। अप्रॉक्सीमेटली 3 मीटर से लेके 5 मीटर तक की लंबाई स्मॉल इंटेस्टाइन की होती है और इसकी लेंथ पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होती है। माना जाता है कि जो लंबे लोग रहते हैं उसका इंटेस्टाइन थोड़ा सा लंबा ज़्यादा होता है, लेकिन उसका जो डायमीटर होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन से बहुत कम होता है, जो करीबन 2.5 सेंटीमीटर से लेके 3 सेंटीमीटर तक का ही होता है। इसीलिए इस इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड किया जाता है, जो है ड्यूओडेनम, जेजुअनम एंड इलियम। ये तीनों सेक्शन की भी लेंथ डिफरेंट होती है। ड्यूओडेनम की लेंथ सबसे कम होती है और इलियम की लेंथ सबसे ज्यादा होती है। तो आइए जानते हैं कि ये तीनों सेक्शन क्या काम करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन होता है स्टमक में से जो पार्टली डाइजेस्टेड फूड आता है उसके ऊपर थ्रू केमिकल डाइजेशन फूड में से न्यूट्रिएंट्स को अलग करना और उसको एब्जॉर्ब करना। जैसे कि पेप्टाइड्स आर डिग्रेडेड इनटू एमिनो एसिड, लिपिड्स आर डिग्रेडेड इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर डिग्रेडेड इनटू स्मॉल शुगर। स्मॉल इंटेस्टाइन एक मस्कुलर ट्यूब है, उसके अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आया हुआ है जिसे वीली कहा जाता है, विच इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब इन द जुजुनम पार्ट, लेकिन आइए जानते हैं कि इसके अलावा बाकी के 2 सेक्शन में भी कौन से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं। हमारे बॉडी में एक यूनिक सिस्टम है। जब भी हमारे बॉडी की कोई भी ऑर्गन्स में खराबी होती है तो बॉडी हमें अलर्ट सिग्नल्स भेजते हैं थ्रू डिफरेंट सिम्टम्स। लेकिन जब हम ये सिम्टम्स को समझ नहीं पाते हैं, या तो इस सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं, या तो ये सिम्टम्स को मेडिसिन से सबसाइड कर देते हैं, तब जाके ये सारे सिम्टम्स डिसीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि जब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ खराबी होती है तो हमें कौन से सिम्टम्स फील होते हैं। ये सब होने का मेन रीजन है हमारी गलत लाइफस्टाइल और गलत ईटिंग हैबिट्स। तो आइए जानते हैं कि हमारी गलतियों की वजह से हमें कौन से
स्मॉल इंटेस्टाइन रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अगर इंटेस्टाइन रिलेटेड ये हेल्थ प्रॉब्लम से हमें बचना है तो जानते हैं कि कौन से चेंजेस हमारी डेली रूटीन में हमें करने चाहिए। आपको तो पता ही है कि पर्टिकुलर ऑर्गन रिलेटेड जितने भी हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें से एक या दो कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स के ऊपर हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो अगले एपिसोड में हम बात करेंगे इरिटेबल बॉल सिंड्रोम, हाँ IBS के बारे में। और तब तक के लिए मुझे रजा दीजिए, स्टे कनेक्टेड विथ मी, स्टे कनेक्टेड विथ परिचय न्यूट्रिशन क्लिनिक, क्योंकि लाइफ अभी बाकी है। थैंक यू।